से खबर है जहां भरतपुर सर्किट हाउस में आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों के भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास पहुंचे, जहां संबंधित अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने के निर्देश उन्होंने दिए। जनसुनवाई के दौरान उपखंड सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादातर समस्याएं बिजली पानी की समस्या से पहुंची और जहां बहज गांव के लोग चंबल पेयजल योजना की शिकायत लेकर पहुंचे, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने चंबल के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी, तो समय पर जनता की समस्याओं का समाधान वे करें। चोरी को मालूम है क्या करते हैं, क्यों काम करते हैं, यहाँ का है क्या है? एक तीन साल एक ऐसी बातें बता दी हैं कि कहाँ कहाँ से एडिशन साल बात करते हैं, एडिशन साल करते हैं, इनके बात से क्यों नहीं करते हैं? कुछ नहीं लगा कुछ नहीं लगा, मेरा बात खत्म हुई, जैसे आप अभी खड़े थे और नंदवी में भी कुछ समस्याएं चल रही हैं प्रधान और विधायक महोदय के बीच में, उसमें भी मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने खुद देख लिया कि सबसे ज़्यादा शिकायत अगर आ रही है तो चंबल विभाग की आ रही है। पानी जो चंबल परियोजना से पानी मुख्यमंत्री जी जैसे तैसे लेकर आए, और अफसरों को मैंने कई बार कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर ये केवल कागज़ लेने हैं तो जनसुनवाई कोई औचित्य नहीं रहता, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए। और आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप बताएं। देखिए, इसीलिए मैंने आज सवेरे प्रधान पुत्र को बुलाया था, प्रधान जी तो लेडी है, उनको बुलाया था मैंने। और जहाँ तक सवाल है, प्रधान हो या विधायक हो या सांसद हो या और कोई जनप्रतिनिधि हो, उनको अपना अपना कार्य क्षेत्र में काम करने की इजाज़त पूरी छूट होनी चाहिए। अगर आज मैं मंत्री होकर के अगर उसमें हस्तक्षेप करूं तो ना तो ये मुझे सुशोभा देता ना मेरा ही अधिकार है, तो ये बड़ा स्पष्ट है। और अगर ऐसा हो तो कहाँ गांव का और शहर का विकास कैसे होगा, और विकास नहीं होगा तो फिर सरकार को नुकसान है। तो इसके ऐसा हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। और अफसरों को भी मैं आज आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि अफसरों को सुधार करना पड़ेगा। चंबल वाले तो साइट पे जाते ही नहीं, आपके खुद के सामने इन लोगों ने कह दिया कि आज तक नहीं पहुँचे, टेलीफोन नहीं उठाते। अब जनता का अगर काम नहीं होगा, टेलीफोन नहीं उठेंगे तो कैसे काम होगा? तो ये मेरा आपसे माध्यम से इनसे भी आग्रह है, ये भी थोड़े सचेत हो जाए। ये तो जैसे मैंने पहले कहा था, अब दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, इतनी विभागीय कार्रवाई होगी इन सबके खिलाफ।